से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी मेरी चांदनी प्यार भरी बातों से तेरे नैनों के इशारों से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम हेलो अरे क्या क्या गा रहे हो हेलो 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 आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। कहाँ से आए हो जी? नागौर से। नागौर जी? अच्छा, ये नागौर कहाँ है? नागौर राजस्थान में है। राजस्थान में है क्या? अच्छा जी, तो आप नागौर से हो? हाँ जी। अच्छा, जोधपुर की तरफ? हाँ जोधपुर। अच्छा, तो फिर ये हमारे जोधपुर मिष्ठान भंडार वाले आपके जान पहचान वाले होंगे? नहीं नहीं सर, तो इतनी जान पहचान नहीं है हमारी। मतलब जान पहचान वालों का मतलब जैसे अभी इनकी बोली देख के मैं पहचान लूंगा, मुंबई में रहूंगा तो कह दूंगा भाई ये भाई मेरी तरफ का है। हाँ जी। तो वो भाई भाई हो गए ना? हाँ जी। ऐसे तो नागौर से आए हो? हाँ जी। जी आपका शुभ नाम? प्रीति चौधरी। अच्छा प्रीति चौधरी। हाँ जी। अच्छा शादी वादी हो गई? नहीं हुई? हो गई है सर। तो फिर आप तो प्रीति चौधरी बोल रहे हो, हमारी तरफ तो फूल लंबाई लाट ऐसा नहीं खेवा है। हाँ देवी भी लगावा आ गया? हमारे यहाँ कुछ नहीं, कुछ भी चलता है सर। नहीं नहीं वो तो चलता है, पर आप मतलब वो केवल प्रीति चौधरी? अच्छा जी, किसके साथ आए हो? अकेले आ गए? नहीं मेरे हस्बैंड के साथ। अच्छा सर आए साथ में? हाँ जी। कहाँ पे है? मैं तो दिखाई नहीं दे रहे। यही है सर, बाहर। बाहर? ये लो सर, आप दिखाई नहीं दे रहे, इनके पीछे देखो सर, यहाँ से बाहर है मतलब मेरे। अच्छा हाँ तो यही है ना? हाँ यही। क्या नाम इनका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी चौधरी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी मजाक कर रहे, बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं सर। अच्छा हाँ, क्योंकि अभी गाने गुआएंगे ना, तो पहले थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं आपके साथ। हाँ जी सर। तो आपकी शक्ल तो ऐसे लग रही है, वो भिलवाड़ा मतलब शोरूम है ना, चैंपियन शोरूम, तो उसमें एक मैनेजर बैठती है, मतलब मैनेजर की पोस्ट पे जो बैठती है ना, जो वो मैडम आपकी जैसी लगती है, सेम टू सेम। मैंने सोचा आज ये कोई मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस करने आ गए शायद, है ना। तो ऐसे लगा। सर जी सुनाओ हाल चाल, आपकी तो आवाज नहीं आ रही सर, खड़े हो ना? हाँ इधर आओ सर। दोस्तों प्रीति जी नागौर वाले, जो कि पहले इनके गाने बन चुके हैं अपने स्टूडियो में, क्योंकि रिकॉर्डिंग वहां करके यहाँ भेज देते थे, तो बन चुके हैं, इनके गाने भी अच्छे चल रहे हैं। चैनल का नाम क्या प्रीति जी आपके? प्रीति नागौर ऑफिशियल। हाँ तो उसमें इनके मतलब गाने आते हैं, एक बार चैनल को नाम वापिस बताओ आप। प्रीति नागौर ऑफिशियल। प्रीति नागौर ऑफिशियल। म्यूजिक नहीं लगाते हो पीछे? नहीं। म्यूजिक लगाया करो, म्यूजिक बिना तो अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा है ना, क्योंकि जैसे गाने में म्यूजिक नहीं लगेगा तो सही बात है ना? सही बात। तो ये सर आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा जी, ये तो आपका लक है लक। हाँ। वरना ऐसे सपोर्ट करने वाले कम ही मिलते हैं। सही बात है सर। हाँ जी बोलो ना कुछ तो बोलो यार। हाँ क्यों, कुछ भी नहीं बोलोगे? केवल गाना ही घुमाना है। आप भी गाओगे? अच्छा नहीं गाओगे, बैठो सर बैठो आराम से। दोस्तों सीधे साधे इंसान है, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, तो मतलब ये क्या आपके हिसाब से गुआ दोगे आप, तो क्या गाओगे सर आप बताओ वही। अच्छा जी, मतलब ये तो एक तरह से मतलब रटी रटाई कहानी हो गई। हाँ सर। है ना, जैसे मैंने सबको सिखा के बिठा रखा हो कि मतलब ऐसे बोलना वीडियो में कि आप बताओगे जो गाएंगे। नहीं सर, आपका इंटरव्यू देखते ना तो इसी हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा जी, और ये अभी मतलब ये जो आगे मतलब चला था ना अभी, तो ये किसने गाया था सर? आपने गाया था और किसने?
अच्छा जी, मुझे तो आपकी भी आवाज लग रही है, सुनाऊं क्या वापिस? हाँ सुनो सुनो। मुझे तो ऐसे लगा ये आपकी आवाज है, और आप कह रहे हो सर आपने गया है। दोस्तों देखो ये आवाज सुन जो मारी है क्या की है। रंग भरे बादल से, अरे यार तुम्हारी आवाज है। रोते काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी मेरी चांदनी, प्यार भरी बातों से और ये तेरी मीनू की इशारे से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। अच्छा तो इसके आगे क्या है फिर? हाँ जी हाँ जी सर, मुझे आगे सॉन्ग आता नहीं, इतना ही आता है। अच्छा इतना ही आता है? हाँ। अच्छा मतलब आगे आगे का हो गया, इतना सा डाल दो। हाँ है ना, सर ने व्यवस्था कर दी कर दी सर सर ने व्यवस्था कर दी सर सर ने व्यवस्था कर दी, मतलब सर आगे का खुद गा लो। हाँ सर सही बात है ना? सही बात है सर। अच्छा जी, तो आप तो तेजा जी महाराज के अच्छे अच्छे मतलब जाटों के ऊपर मतलब सॉन्ग देखे मैंने आपके। हाँ तो, और वो सुनीता स्वामी जो है मतलब वो भी तो आपकी तरफ से ही है। हाँ हमारे नागौर की है, है ना। तो मतलब नागौर क्या है, सिटी है क्या? नागौर जिला है। जिला है जैसे भिलवाड़ा जिला है। हाँ जैसे भिलवाड़ा। अच्छा जी, हाँ तो फिर हमारी तरफ तो ये कोई नहीं बोलता कि हम मतलब भिलवाड़ा से है, आपकी तरफ तो यूं बोलते हैं कि हम नागौर से है। मतलब छोटे गांवों को कौन पहचानता है सर, तो जिले से बोलते सर। अच्छा नहीं, हम तो यूं बोलते हैं कि हम खेरार से है। अच्छा बोलते ना देख भाई, खेरार से है, फिर बोलते राजस्थान से है, फिर बोलते इंडिया से है। अच्छा आज जितना आगे जाते जाएंगे ना वैसे ही बोलेंगे मतलब। तो गाना गा के भी सुनाओगे या फिर ऐसे मतलब आप इंटरव्यू देने आए हो? सर गाना भी गाएंगे। गाना भी गाओगे? हाँ जी। अच्छा तो कौन कौन से गाओगे आज, देखे थोड़ा सा एक डेमो के तौर पे? सर तेजा जी को। तेजा जी को मेला में मोर नाचे तो हैं? नहीं ऐसे ही कुछ अलग। चलो गा के सुनाओ पहले आप, फिर बाकी मस्ती बाद में है ना। अभी आप क्या गाओगे ना उसकी मस्ती बाद में होगी, पहले गा के सुनाओ, बिना ट्रेक के गाओ। कोई सा भी? हाँ या फिर यहाँ गाऊंगी वो? हाँ नहीं मतलब यहाँ गाओ, जो ही तो गाओ ना। अच्छा लिखा हुआ हो तो कॉपी ले लो, बोले कोई शर्म नहीं है उसमें, क्योंकि लिख के तो गाना गाया जाता है। नहीं तो मैं ऐसे गा दूँ। हाँ तो गा दो, दो लाइन तो गानी। हाँ दो लाइन। अच्छा गाने में तो पूरा गाना पड़ेगा, अभी तो दो लाइन गा के सुना दो। क्यों नहीं, गाना में पूरा गा दूँ। हाँ 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 गाओ। के भावज बोला कड़वा बोल देवे, काल जिया ने छोल अब ना से यो जावे है मारा तेजा जी मारा। कि हो के लीलन पे असवार चाला पे मलका भरतार, पनेरा नगरी में जावे मारा तेजा जी मारा। वाह 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 वाह, क्या बात है, मैं तो मेरे को तो नींद आ जाती है अभी तो। आवाज बहुत प्यारी है ना? थैंक यू सर। हाँ क्योंकि मतलब आपकी आवाज है ना, मैंने तो सोचा भाई शाम हो गई जो सो जाए अब तो, मतलब ऐसे मतलब गा रहे थे प्यारी प्यारी आवाज में, है ना। थैंक यू। थैंक यू तो पब्लिक को बोलो जी, सब्सक्राइब तो वो बढ़ाएंगे, हम तो केवल यूं बढ़ाए कर लेते हैं मतलब, है ना। तो दोस्तों प्रीति नागौर से है, प्रीति जी नागौर से है, सॉरी मतलब वो क्या हमारे सामने रहती है मतलब प्रीति, तो उसको बोलता हूँ मैं प्रीति, तो मतलब वो आदत पड़ गई इसे थोड़ी, है ना। कोई ना सर, है ना। तो प्रीति जी नागौर से है, और दोस्तों इनका चैनल है प्रीति नागौर ऑफिशियल। हाँ ये इनका चैनल है, और अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे कि गाने वाने बनवाने के लिए, या आपको मतलब जैसे, तो ये सर का नंबर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते हैं, दे सकते हैं सर का, या फिर जो भी आपके कोई फोन उठाता हो। हाँ
तो वो आप अगले इंटरव्यू में सोच लेना, अभी तो नंबर मत दो है ना, अभी आप मुझे फिर बता देना कि देना है नहीं देना है, पहले सोच समझ के नंबर। सही बात है ना सर, है ना, पहले दे रखे क्या आपने नंबर, उसमें दे रखे क्या? हाँ, चैनल पर दे रखे। अच्छा जी, तो किसके दे रखे है? वो मेरे देवर के। हाँ, तो फिर वही नंबर बोल दो आप कि अगर किसी को गाना बनवाना हो तेजा जी का, या फिर जैसे कोई डीजे सॉन्ग ब्याह शादी का अच्छा वाला, अच्छा सॉन्ग, कोई अच्छे बुरे सॉन्ग तो गाते नहीं हो आप, तो अच्छे अच्छे गाते हो मतलब। अच्छा, तो कोई ऐसे अगर सॉन्ग बनवाना चाहे तो आपसे संपर्क कर ले, तो आपके देवर जी के नंबर दे दो। मुझे याद नहीं है सर, नंबर याद नहीं है मेरे पास, है आपके देवर जी के नंबर। कल कॉल आए थे ना क्या आप आ रहे हो, तो इसलिए। अरे यार, ये फोन वाला तो नंबर भी निखाड़वा था भाई साहब। अरे निखाड़वा था, खाल खाल फिर अगला मैं बतावा। दोस्तों, इनके नंबर अभी हाइड रहेंगे और मतलब YouTube चैनल पे डले हुए नंबर, तो आप ले लेना है ना, है ना। और सब्सक्राइब कितने बढ़ाने हैं आपके सर? फुल। ये वाले किसी और के मत दे देना, 63 है ना, ये 63 के चित्र वाले। हाँ सर। हाँ, तो दोस्तों नंबर लिख जो, मैं लिखाऊ था ना, 6-3-7-5-4-7-1-4-8-2। धन्यवाद दोस्तों, ये नंबर है उनके, तो आप इनमें संपर्क करें। सही बोलूंगा? नहीं सही है सर, ऐसे ही एक एक बतायो जो बेगा बेगा लिख भी ले ही चल। हाँ सर। वहां तो ठीक है रे बात। तो प्रीति जी, आप तो देखो मजो ना आयो आज इंटरव्यू में, कोई कशा ना आयो मजो बताऊ है ना, क्योंकि आपने ये मतलब और भी आया था है ना जी, यानी तो मैं भूल ही गयो, मैं तो था को पता गरबा में नहीं गयो है ना। तो थोड़ा सा आप 2 मिनट वेट करो, आप गाना सुनाओ अभी दर्शक ना आचा आचा, और मैं थोड़ा सा यहाँ बातचीत कर लूँ। हाँ ठीक है सर। फिर मजो आए मतलब फिर नाच बाको रहे को मजो तो बचाओ बात में। ठीक है। हाय दोस्तों नमस्कार, मैं सिंगर और डायरेक्टर राजाराम सेन, और आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं हमारे मेहमान, जो कि हमारे अजीत मित्र हरियाणा से है, राजस्थान से, राजस्थान से है, सॉरी हरियाणा से नहीं है, राजस्थान से है, पर ये क्या हरियाणा के बॉर्डर पे आ गए उधर, तो ऐसे लगता है हरियाणी गाने गाते हैं, तो हरियाणा से मतलब। कहाँ पे है सर आपका गांव? सर मेरा झुंझुनू में। झुंझुनू में? हाँ, झुंझुनू तो हरियाणा की तरफ ही आ गया, बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया है ना। तो दोस्तों ये जो पहले गाने आए थे, 4 गाने गा के गए थे, जब इनके कितने सब्सक्राइब थे? मेरे 1400 सब्सक्राइब थे उस टाइम। 1400 सब्सक्राइब थे इनके है ना, और 4 गाने गाए थे, एक इन्होंने मतलब इंटरव्यू दिया था, बड़े शौक से दिया था, इनका इंटरव्यू बहुत लेट डला था, मतलब 1 महीने बाद में तो इंटरव्यू डला था इनका। ये मतलब 10 बार मेरे फोन कर चुके थे कि यार राजा राम जी मेरा इंटरव्यू कब आएगा, मैंने कहा सर काम से इतना परेशान हूँ, आपके इंटरव्यू को सबसे अच्छा करके डालूंगा, पर मतलब थोड़ा मतलब आप मुझे वेट मतलब जैसे आप इंतजार करो और मुझे टाइम दो, तो इनका इंटरव्यू सबसे लेट डाला था मतलब, बट डाला तो मतलब इनके ऐसा काम हुआ कि इंटरव्यू गया अभी 1.1 मिलियन, यानी कि 11 लाख में भी इनका इंटरव्यू है, और चैनल में सब्सक्राइब कितने हुए सर अब आपके? 9700। 10,000 हो गए सर ने व्यवस्था कर दी कैसे की सर? बस मतलब वो इंटरव्यू में इनके चैनल का नाम दे दिया था और चारों के चारों गाने सुना दिए थे, भाई ये गाने आएंगे इनके चैनल पे, तो इनके गाने इतने अच्छे लगे पब्लिक को कि ये सारी पब्लिक मेरे चैनल को छोड़ के इनके चैनल पे चली गई, मुझे दुख हो रहा आज की 10,000 सब्सक्राइब खा गए मेरे है ना, पर आदमी अच्छे है ना इसलिए दुख नहीं होता है। नहीं वो सही बात है, पर देखो वो अगले समझ रहे हैं उस बात को, भाई क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा है जो आज इनका स्वागत किया जाएगा दोस्तों है ना, तो थोड़ा सा आप वेट करो, प्रीति जी को नहीं दिखाएंगे अभी आपको है ना, आप सोच रहे हो कि प्रीति जी के गाने सुनेंगे, पर अभी इनका स्वागत करेंगे। और आज मेरे 2 भाई जो और आए हैं, जय श्री राम भाई साहब,
लंबा है जी साबुदान भाई साहब कहना बैठो मारो बराबर का है राम राम साहब कटवा यार दामणिया अच्छा आपने यो अटके हिमोग्र काचोड़ा का मतलब जी अच्छी नहीं पड़े नहीं हो काचोड़ा का आगे अच्छा हाँ तो ये दामणिया में क्या नाम आपको लाल शर्ट वाला को प्रभु बंजारा बेरवा सॉरी प्रभु बेरवा विष्णु बेरवा बहुत ही अच्छे बच्चे हैं गाने गाए इन्होंने लंबे तो है पर भाई साहब नहीं बोलेंगे इनको क्योंकि बच्चे है ये तो अभी दोनों है ना हाँ मतलब आ तो शायद वो 10-11 साल का वही देना कर ज्यादा है 15-21 के कोई बात मैं 2-4 साल कम करा दिया आधार कार्ड है ना तो दोस्तों अब आप क्या कहना चाह रहे हो मतलब क्या लेके आए हो आप स्वागत अरे यार ये मतलब ये यार ये हद कर रहे हैं मतलब यार देखो अभी तो फर्स्ट बार मुलाकात हुई है और ये वो लेके आओ क्या क्या लेके आए हो आप ये सर ने व्यवस्था कर दी मतलब है ना वो क्या एक इंटरव्यू में मतलब जैसे हमारा स्वागत हुआ दूसरे में हमने किया तीसरे में हमने किया चौथे में ये भी करेंगे हम है ना हाँ तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब सिस्टम मतलब बच्चे है पर मतलब इनका दिल है कि ये मतलब स्वागत करने के लिए मतलब माला वाला पहले लेके आए कंप्लीट तो करवा लो क्या दोस्तों अच्छा तो नहीं लगेगा फर्स्ट बार में अच्छा लगेगा लगेगा अच्छा इनको अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं करवा लेता हूँ है ठीक है ले पानी को यू ले रहा है आप लाओ सर गिलास राजू जी आप थोड़ा सा म्यूजिक दो पब्लिक कह रही है हमें तो कोई स्वाद नहीं आ रहा आपका स्वागत क्यों किया जा रहा है मतलब मजा नहीं आ रहा मतलब समझ गए अलग अलग म्यूजिक देते रहो
तो सर फिर कैसे खाऊंगी मैं? सर मनीष को गिरा दूं? हाँ मनीष से लगा हुआ है। हाँ कैमरा में पकड़ूंगा। मनीष इधर आएगा। पहले तो मनीष के सर तिलक लगना चाहिए। राजू जी। हाँ। क्योंकि मेरे लिए क्या कि ये बच्चा है ना जो इसको डांटता रहता हूँ मैं वीडियो में भी डांट देता हूँ छोरा कैमरा में किटी कुमारी हो रहा है पर ये मेरा सबसे प्रिय है मतलब थोड़ा सा मुंह उठी कर यार उजालो उठी आप हाँ यूं शन डांट तो रही हूँ दोस्तों हूँ मुझे क्योंकि आजकल शैतान गुणो जो भाग जाओ इन्हें गाड़ो का भाई एक बोल गजर है नहीं हुई है सर अरे अच्छा अच्छा आप अंदर क्या कर रहे हो आप सर मिठाई यहाँ तक नहीं पहुँची अभी मैं खिला के आता हूँ नहीं मेरे को दो मैं खिला के आता हूँ मेरे को ये दो डिब्बा ले जाना नहीं डिब्बा नहीं ये एक ही चाहिए लो जी मुंह खोलो खोलो ना दिखाना दिखाना लो हाँ मुंह खोलो सर ये क्या है अरे अरे यार ये बीच में कांच है शायद यार ले तो मनीष ले तो ले जा डिब्बा में ले जा डिब्बो ले जा इन्हें निभा दे उन्हें निभा दे चल डिब्बो ले जा वाकी अच्छा वही ना सर खाने अच्छा जी पूरा डिब्बो ही जब आप उन्हें साफ कर दे तो देखो मजाक नहीं तो मजा आता है नहीं करेंगे तो मीठा मुंह हो गया हाँ नहीं हुआ है कैसा लग रहा है थोड़ी शांति मिली हाँ मिली हाँ सर अच्छा शांति मिल गई राजू जी तो अपन बैठे वापिस इनके गाने सुनते हैं अब थोड़े ज्यादा ज्यादा मिठाई से तो क्या गला खराब हो जाता है इसलिए नहीं खुआ रहे थे आप अच्छा सर हाँ अच्छा अच्छा अपने लिए केले भी आए जी खाओगे नहीं देखो फल और फ्रूट दोनों सबके लिए दो बांट बट के खाओ मौज करो अंदर वालों को रहने दो ओ रंग भरे बादल में लो आप ही ले रहे हो आपका भी ये रख देता हूं और ये हो गया मेरे स्पीकर का ये टीवी का सर ये इनको लिखाओ मत आप पर क्या वो इनकी तरफ से आया है ना तो मेरा वो अपने बटना चाहिए मतलब
फिर खा लेना जब आपको। हेलो, अरे प्रीति जी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर आ रही है। किसकी आ रही है? राजा राम जी की। अच्छा जी, अच्छा तो राजा राम जी की आ रही है। हाँ जी। हाँ तो अब यूँ बताओ, अब आप यूँ बताओ मुझे, पूछो सर, मिठाई खा ली? नहीं खाई, खा लूंगी फिर। तो अब देखो गाना भी आपको मीठा सुनाना पड़ेगा, है ना? हाँ जी। तो अपन मतलब यही पे मतलब इंटरव्यू समाप्त कर देते हैं और गाना गवा देते हैं आपसे। अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा सर। अच्छा रहेगा ना? या फिर आप ऐसे गाओ, तेजा जी का कोई दूसरा गाना गाओ एक बार और सुना देते हैं पब्लिक को, है ना? थोड़ी ट्रैक लगा के सुना देते हैं, है ना? ठीक है। नागौर की साइड से हो ना आप? नागौर से ही हो? नागौर की साइड से ही हो? हाँ सर। तो उधर का ही गाना गवा दे आपको। ठीक है सर, गवा दो। तेरे नैनों के काजल से मैंने अब दिल पे लिख दिया तेरा नाम। बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी मेरी चांदनी, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम।